बारे में, तो जिसका नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये आपका थर्ड चैप्टर है अकाउंट्स का। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो मेन टॉपिक है गुडविल कॉन्सेप्ट, अब हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ये आपके लिए नोट्स है, तो आप इनको पढ़ के इजिली आप अच्छे मार्क्स जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। नोट्स का मतलब यही होता है कि बस आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके और अपनी लैंग्वेज में आप उसको बोर्ड्स में लिख सके। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, कि जो बिजनेस के अंदर लगे हुए पार्टनर्स हैं, अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाती है तो हम किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल कंसेप्ट के बारे में कि गुडविल क्या होती है और कितने तरीके से हम इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आज हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स के अंदर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि जब गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो जाए। तो हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। पहले तो हमें क्या लिखना होता है, जब भी हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में जैसे कि व्हाट इज गुडविल, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमें गुडविल का थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप उसको चाहो तो अपना एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तब देखिए, सबसे पहले गुडविल होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है। गुडविल का मीनिंग है किसी फर्म के द्वारा अर्न की गई रेपुटेशन से। गुडविल का मतलब यही होता है कि फर्म ने जितनी भी रेपुटेशन अर्न की होती है, रेपुटेशन का मतलब कि वो फर्म जो है वो कितनी फेमस है, ठीक है, जो ओनर्स की मेहनत से अर्न की गई है। अगर कोई फर्म अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देगी तो वो कस्टमर क्या होंगे, खुश होंगे और बार बार हमारे बिजनेस में आएंगे। जैसे ही वो बार बार बिजनेस में आते रहेंगे वैसे ही हमारी फर्म को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उसकी क्या होती है, गुडविल सबसे ज्यादा होती है। तो बेसिकली गुडविल का मतलब यही होता है कि गुड नेम से है, ठीक है, गुड नेम या रेपुटेशन है। रेपुटेशन भी कोई चीज होती है कि उससे क्या होता है कि जितनी भी हमारे नॉर्मल जो भी प्रॉफिट्स होते हैं दूसरी फर्म्स की बजाय हमें उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कि कोई फेमस जो है शॉप है, और वैसे तो उसी तरीके की बाकी भी और भी शॉप्स आपकी दुकान में जो है वो आसपास खुली हुई है, बट एक ऐसी शॉप है जिसके ऊपर कस्टमर जो है बार बार जा रहे हैं। जैसे ही कस्टमर उसके पास दोबारा जाएंगे तो उस फर्म्स के जो जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। तो गुडविल किसी फर्म की पॉपुलैरिटी की ऐसी वैल्यू है। गुडविल की देखिए कुछ वैल्यू तो होती है जिससे कि उस बिजनेस में यानी सेम टाइप के बिजनेस में लगी हुई दूसरी फर्म्स के द्वारा अर्न किए गए नॉर्मल प्रॉफिट रेट की बजाय आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी तो आप ज्यादा जो प्रॉफिट है वो आप अर्न कर सकते हो। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल डाला हुआ है तो आप उसको खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो आपके शहर के अंदर बहुत फेमस शॉप है जो मान लो या तो क्लोथ से रिलेटेड है, स्वीट से रिलेटेड है, ग्रोसरी स्टोर यानी कोई भी शॉप लगा लो, और वो दुकान हमारे पूरे शहर के अंदर बहुत पॉपुलर है और हमारी सिटी के ऑलमोस्ट पीपल वहीं से सामान परचेज करते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि वैसे ही शॉप हमारे बिजनेस के अंदर जो हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वैसी शॉप हमारे पूरे शहर के अंदर कहीं पे भी नहीं है कि इसलिए लोग वहां पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कई दुकानें क्या होती है कुछ इतनी फेमस हो जाती है कि उन्हीं के पास बार बार कस्टमर जाते रहते हैं। वहां पे और दुकानें होती हैं बट उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो अपने कस्टमर को हो सकता है कि अच्छी फैसिलिटी देती हो, ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर खुश होते हैं बार बार उसी के पास जाते हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और शॉप पर मैक्सिमम कस्टमर जो है आते हैं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट्स होने की वजह से ही हमारी जो गुडविल है वो बनती है। अब आप डेफिनेशन की बात करो वो क्या होती है। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम करेक्शन इन रेपुटेशन। गुडविल रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी से होने वाला बेनिफिट है।
ठीक है, कि अगर हमारा बिजनेस जो है इतना पॉपुलर हो गया है तो उसी से हमारी क्या बनती है, गुडविल बनती है। अब आगे आते ये तो था कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि गुडविल एक अच्छी रेपुटेशन होती है कि जिससे हमारे फॉर्म को दूसरी जो भी सेम टाइप की फॉर्म है उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलते हैं। फीचर्स क्या है, अगर आपके पेपर में आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करने से पहले जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पहले तो आप उसको अच्छे से उसको लिखने से पहले वहां पर उसके की पॉइंट्स बनाइए क्या क्या है। तो जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है, इट इज एन इनटेंजिबल असेट्स, इट इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले तो आपको उसका क्या लिखना है, इसकी ओनली हेडिंग लिखनी है, बाद में उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। इट इज एन इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है, गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल का मतलब ना तो उसे हम देख सकते ना हम उसे टच कर सकते, ठीक है, तो वो होती है एक इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल्स में आपने पहले कभी सुना भी होगा ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह ये सब आते हैं। गुडविल पे हम दूसरी फिक्स्ड असेट्स की तरह हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। सेकेंड पॉइंट है, आपको इनटेंजिबल का मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा कि उसको हम ना तो देख सकते ना हम उसको टच कर सकते। सेकेंड पॉइंट है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, यानी कि गुडविल उसी टाइम वैल्यूएबल होती है जब पूरा बिजनेस क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो जब पूरा बिजनेस सेल किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पूरा बिजनेस सेल कर दिया उसी टाइम हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके सिवा हम उसकी वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। गुडविल को अलग से सेल नहीं किया जाता, यानी पूरा बिजनेस जब सेल किया जाएगा, ये कोई सामान थोड़ी है कि जब हमने दूसरा सामान बेचा तो हमने गुडविल को भी बेच दिया। अगर हम गुडविल को बेचना इतना आसान होता तो गुडविल इतनी आसानी से कोई भी खरीद लेता। थर्ड पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कई बार क्या होती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी हमारे कुछ फैक्टर्स बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, इसकी जो वैल्यू होती है उसमें कॉन्टिन्यूसली क्या आती रहती है, फ्लक्चुएशंस, यानी इनकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है। अब इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट क्यों होती है, इस पर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है कि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने की वजह से फ्लक्चुएशन आती रहती है, बट इसके वैल्यू में कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। जिन बिजनेस में सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स की बजाय अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, तो यानी वहां नॉर्मल प्रॉफिट्स की बजाय ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वहां गुडविल क्या होती है, इनटेंजिबल असेट्स की फॉर्म में होती है। बट प्रॉफिट्स में कमी के साथ ही, यानी कि जब प्रॉफिट्स कम होते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो थी हमारी सारी फीचर्स। अब हम बात करें नेचर ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल का जो नेचर है वो किस टाइप का होता है। गुडविल एक कौन सी असेट्स है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या है कि हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एक्सिस्टेंस ना होने का मतलब कि हमें दिखाई नहीं देती, यानी हमें दिखाई नहीं देती ना ही हम इसको टच कर सकते। बट ये फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है, बिकॉज फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बट गुडविल की हमारे पास क्या होती है, वैल्यू होती है। बट जहां प्रॉफिट अर्न होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां गुडविल की क्या होती है, वैल्यू होती है। गुडविल को हम सेल भी कर सकते हैं, और सेल कब की जाती है गुडविल, जब हम अपने पूरे बिजनेस को सेल करते हैं तब हम अपनी गुडविल को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ गुडविल में हमने यही लिखना है कि हमारी एक इनटेंजिबल असेट्स होती है, और इसको ना तो हम देख सकते हैं ना हम इसको टच कर सकते, बट ये फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है, और इसका क्या होता है, खुद की एक इसकी वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फैक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं, देखने में फैक्टर्स बहुत मुश्किल लगते हैं कि पता नहीं इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो देखिए बहुत ही इजी फैक्टर्स हैं। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स, फ्यूचर कॉम्पिटिशन, रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, पोजिशन ऑफ लाइसेंस, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अदर फैक्टर्स, ये सब इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अब देखिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या होता है, फेवरेबल लोकेशन यानी कि हमारा बिजनेस किसी ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे लोग इजीली पहुंच सकते हैं। यदि बिजनेस किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ इजीली लोग सामान खरीदने के लिए पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, तो
तो वहां पे लोग जाएंगे तो उस फर्म को क्या होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे और वो गुडविल वहां की क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर हमारा बिजनेस ऐसे प्लेस पे है पहाड़ी वाले इलाके में जहां कोई जा ही नहीं सकता, जहां कोई ट्रांसपोर्ट का साधन ही नहीं है जाने का, वहां पे क्या होगी, अगर वहां पे हमने ऐसा कोई बिजनेस खड़ा कर दिया तो वो चलने का ही नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, कम। तो गुडविल ज्यादा करने के लिए हमारी जो लोकेशन है वो भी बहुत बेटर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स वगैरह हैं, तो जिनके हाथ में पावर्स होती है कि वो हमारे बिजनेस को अच्छे से चला सके, वो अच्छे पर्सन्स होने चाहिए, यानी कि वो दूर की सोचने वाले होने चाहिए, अच्छे प्लान्स बनाने वाले होने चाहिए कि फ्यूचर में वो अच्छे से अच्छे प्लान बना सके। अगर बिजनेस कोई ऐसा पर्सन चला रहा है जो काफी हार्ड वर्किंग है, दूर की सोचने वाला है, यानी फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान बना सकता है अपने बिजनेस के लिए, यानी वहां की मैनेजमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर वहां की मैनेजमेंट अच्छी है तो वहां की गुडविल क्या होगी, ऑटोमेटिक हाई होगी। थर्ड पॉइंट है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर हमारा बिजनेस जो है काफी पुराना है, ठीक है, तो वहां की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उस कंपैरिजन में कि अगर कोई नया बिजनेस है, वहां पे अभी थोड़े लोग ही उस बिजनेस को जानते हैं, थोड़े लोग ही वहां जाएंगे, तो इसी वजह से नए उसके ऑर्गेनाइजेशन की बजाय जो हमारा पुराना बिजनेस है वहां की गुडविल क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स का मतलब कि हम किस टाइप के गुड्स का वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम मान लो क्या पता कोई बिजनेस है, वो हो सकता है कि कोई डेली रूटीन की जो गुड्स वगैरह जो सेल परचेज की जाती है ऐसी गुड्स का नेचर कर रहा है, ठीक है, ऐसी गुड्स का मतलब बिजनेस कर रहा है, या कोई हो सकता है कि ऐसी गुड्स का नेचर कर रहा है जो फैंसी है। अब देखिए जो डेली बेसिस पे बिक जाती है, जो सेल हो जाती है, तो वहां का प्रॉफिट लेवल क्या होगा, हाई होगा, और तो इसकी वजह से गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर फैंसी गुड्स है, फैशन का क्या पता, क्या पता कल ही चला जाए फैशन, तो इसलिए वहां की गुडविल क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोसेशन ऑफ लाइसेंस, पोसेशन ऑफ लाइसेंस का मतलब कि क्या हमारी फर्म के पास कोई उससे रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड कोई लाइसेंस है। अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हमारी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, मोनोपोलिस्टिक का मतलब है एक हमारी ही फर्म है जो मार्केट के अंदर काम कर रही है, दूसरी कोई भी फर्म नहीं है। यदि किसी बिजनेस का मार्केट पर मोनोपोली है, यानी कि एक ही वो बिजनेस ऐसा है, यानी पूरी मार्केट में एक ही ऐसी शॉप है जहां से कोई स्पेसिफिक सामान मिलता है, तो यानी शॉप की पूरी मार्केट पे क्या है, मोनोपोली है, तो इससे प्रॉफिट्स में क्या बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व, अगर बिजनेस ऐसा है कि वहां पे रिस्क बहुत ही ज्यादा है, रिस्क बहुत ही ज्यादा होने की वजह से गुडविल क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। और अगर ऐसा बिजनेस है वहां पे रिस्क बहुत ही कम है या है ही नहीं, तो वहां की गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारा प्रॉफिट का ट्रेंड ऐसे हाई लेवल पे जा रहा है, यानी कि लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर ऐसे डिक्रीजिंग पॉइंट पे आ रहा है, डिक्रीजिंग पॉइंट पे, तो फिर हमारी उसकी गुडविल क्या होगी, कम। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉम्पिटिशन, कि क्या हमारे मार्केट में आगे ऐसे फ्यूचर कॉम्पिटिशन चलते रहेंगे, फ्यूचर में भी अगर कॉम्पिटिशन बढ़ते रहेंगे तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, कम। और अगर गुडविल मतलब ज्यादा कम होगी अगर उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होंगे, तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स भी करनी है। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में भी आगे इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि हम गुडविल को किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। परचेज गुडविल वो गुडविल है कि जिसको सिंपली इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसको हम पैसे देके खरीदते हैं, ठीक है, जिसको परचेज किया जाता है, एग्जाम्पल है। और अब देखिए गुडविल को तभी परचेज किया जाता है कि जब कोई बिजनेस सेल कर रहा है, यानी कि हम बिजनेस परचेज कर रहे हो तो तभी हम परचेज करेंगे ना उसको, जब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है। और इसको निकाला कैसे जाता है, इसकी वैल्यू को नेट असेट्स से परचेज वैल्यू को, सरप्लस को, यानी कि जितनी भी नेट असेट्स बनती है, नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, असेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करके, यानी कि जितनी भी असेट्स बनती है उसमें से लाइबिलिटीज जो है पे करनी होती है उसको लेस करके वो हमारी नेट असेट्स आती है। और उससे भी ज्यादा अगर हम कंसिडरेशन पे करते हैं तो वो किस चीज का पे करते हैं, हमारी गुडविल का। जैसे असेट्स की वैल्यू है 17 लाख, उसमें से लाइबिलिटीज हमने पे की 2 लाख की, तो नेट असेट्स की वैल्यू कितनी है, 15 लाख। बट हमने परचेज कंसिडरेशन कितने का पे किया है, 20 लाख का, तो अभी 15 लाख से तो ज्यादा हो गए ना, 20 लाख, तो वो 5 लाख रूपये किस चीज के है, वो हमारे गुडविल के लिए ही है कि जो भी हमने पे किया है। अब बात आती है इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स है।
अब ये जो बिजनेस के परचेज के टाइम पे गुडविल जनरेट होती है, ठीक है, और जब भी इसको बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको असेट साइड में शो किया जाता है। आप देख भी सकते हैं बैलेंस शीट असेट्स और अमाउंट, तो उसमें गुडविल को कहां लिखा जाता है, हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में। ये तो थी, और इसको इकोनॉमिक लाइफ टाइम में इसको क्या किया जाता है, रिटर्न ऑफ भी किया जाता है। ये तो थी हमारी परचेज गुडविल। सेकेंड हमारे पास गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है कि एक बिजनेस में उस बिजनेस की काफी फीचर्स के कारण, काफी रीजंस की वजह से ये अपने आप ही बन जाती है, यानी कि इसको हम खरीदते नहीं है, अपने आप बन जाती है। फीचर्स क्या है, जब किसी बिजनेस को काफी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है चलते हुए, तो ये गुडविल इंटरनल यानी कि अपने आप ही जनरेट होने लग जाती है। इस तरह की गुडविल को सही ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू का हमें खुद ही नहीं पता होता, और जब इसके लिए हम कंसिडरेशन पे नहीं करते तो इसको हम अकाउंट्स में इसकी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में नहीं की जाती। इसका रीजन ये है कि इसके बदले कैश में पेमेंट हम नहीं करते। तो इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल हम दो तरीकों से करते हैं। अब हम बात करें नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि हम गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होता होगा। तो इसके काफी सारे रीजंस हैं। जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो हमें इसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि गुडविल को हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं जो उसको सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के आने से अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ पार्ट न्यू पार्टनर के फेवर में, तो उसको क्या देना पड़ता है, तो न्यू पार्टनर को अपनी गुडविल का हिस्सा देना पड़ता है। तो इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो तब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर जब फर्म सेल की जाती है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब, और जब फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ अमेलिगमेशन यानी कि एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मिक्स होने जा रही है, तो इन रीजन से हमें इसको वैल्यूएट करना पड़ता है। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। गुडविल एक कौन सी असेट्स है, एक इनटेंजिबल असेट्स है। गुडविल का सही वैल्यू डिटरमाइन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जब बिजनेस को सेल किया जाता है तो इसकी वैल्यू सेलर और बायर आपस में डिसाइड कर लेते हैं, एक अपना एग्रीमेंट करते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको वैल्यूएट करे। गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड जो है बहुत ही फेमस है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे फर्दर एक टाइप है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे फर्दर टू टाइप्स है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। तो अब इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ये गुडविल के वैल्यूएशन का बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन पिछले सालों के प्रॉफिट्स को हम क्या कर लेते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नंबर यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जिसको बोला जाता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली इसकी गुडविल निकल जाती है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स को निकालने का कोई मुश्किल वो नहीं है। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 1997 से लेके आप कोई भी ईयर ले सकते हो, तो इसमें 50,000 प्रॉफिट है, फिर आगे 20,000 इसका लोस दे रखा है अगले साल में, ठीक है, 10,000 का फिर अगले साल में प्रॉफिट है, फिर 60,000 का प्रॉफिट है, फिर 80,000 है। तो हम इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं कि जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो, जो लॉस है उसको लेस कर दो, डिवाइड किससे कर दो, जितने सालों के प्रॉफिट है। तो 1997 से लेके 2001 तक ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस है, इनको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, पहले इसको ऐड कर दो। ऐड करने से कितना आएगा, 1,80,000, डिवाइड कर दो 5 से, तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 36,000, ठीक है। और गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज इसके अंदर कितना दे रखा है, 3 ईयर्स परचेज। तो 3 ईयर्स परचेज में 36,000 जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया तो उसको 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक चेंज हुआ फॉर्मेट है। इस मेथड में हर साल के प्रॉफिट्स को एक वेट असाइन किया जाता है, लेटेस्ट ईयर का जितना प्रॉफिट्स होता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, और जो पिछला मतलब जो से पिछले सालों के प्रॉफिट्स होते हैं उसको कम कम वेट असाइन किए जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल समझिए, 1999 से लेके 2002 तक के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं और इनको वेट असाइन किया गया है 1999,
को 1, ऐसे 2000 को 2, 2001 को 3 एंड 2002 को 4। यानी कि इसमें सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, जो हमारा 2002 है, ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया है 4। तो इसके बाद प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए हर साल के प्रॉफिट्स को क्या किया जाता है, जो भी ये वेट असाइन किए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिर प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड देके वेट एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर उसको, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसको एक नंबर्स ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाली जाती है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो इस मेथड में करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देके इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये मेथड में आपको बता दूं, वहां पे मेथड ज्यादा अप्लाई होता है जहां पे कॉन्टिन्यूसली या तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हो या फिर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉफिट्स इंक्रीज होते होते वो कहीं पे डिक्रीज हो जाए, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके अंदर आप खुद से भी एक एग्जाम्पल बना सकते हो, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। अब देखिए 2000 से लेके 2003 तक इसमें ये प्रॉफिट्स दिए हुए 500, 1000, 1500, 2000। तो इसको वेट असाइन किया गया है 2000 से लेके 2003 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, फिर आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स है उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट्स को आप वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहोगे वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले में वही अप्लाई करना है, जितना भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स है वो कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट, वो कितना है 10। तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, वो क्या आ जाएगी, आपकी वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और उसको आप नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर्स, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो ये भी आपका कम्प्लीट हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, इस मेथड में देखा जाता है किसी तरह के पूरे बिजनेस की कंपैरिजन में हमारी फर्म में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कि हमारा भी ऐसे सेम बिजनेस है और ऐसा ही बिजनेस किसी दूसरी उसका भी है, तो हमारी फर्म का देखा जाता है कि उससे हमें प्रॉफिट जो है ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तो दूसरी फर्म्स की बजाय हमारे फर्म में जितने ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट्स। यानी कि दूसरी फर्म्स के बजाय हमारी फर्म को जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, वो भी सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, हम भी सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, बट हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको अब ये 3 फॉर्मूलेस जो है लर्न करने पड़ेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, सुपर प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका है आपकी फर्म में, यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि दूसरे की फर्म में कितने प्रॉफिट्स अर्न हो रहे, फिर गुडविल का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। फॉर एग्जाम्पल, यदि बिजनेस में हमारे जैसे सेम फॉर्म में 15% प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हमारी फॉर्म ने और उस फॉर्म ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और हमारी फॉर्म को कितने प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, 25,000, ठीक है। तो उन्होंने भी 1 लाख इन्वेस्ट कर रखी है, हमने भी, तो उनको तो 1 लाख के ऊपर अगर हम अपना निकालने लग जाए 25% की रेट से, हमें तो 25,000 हो रहे हैं और उस फॉर्म को 15,000। तो यही से पता चल रहा है कि हमारी फॉर्म को एक्स्ट्रा हो रहे हैं 10,000, तो वो क्या है, सुपर प्रॉफिट्स है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर 15% करोगे 15,000 आएगा, फिर सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कौन सा, जो हमारी फर्म को रहा है 25,000 माइनस 15,000, वो कितना आ जाएगा, 10,000। फिर गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 ईयर्स है, तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो ये भी हमारा नेक्स्ट मेथड कम्प्लीट हुआ। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। फर्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आइडिया होगा, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसको, जितने सालों के प्रॉफिट्स हैं उसको डिवाइड करके हम उसको निकाल सकते हैं। और फिर ये फाइंड करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कि जो बिजनेस की रेट जो चली हुई है प्रॉफिट्स की, वो दूसरी फॉर्म में कितनी चली हुई है, से इन एवरेज प्रॉफिट्स को फाइंड करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि कितनी कैपिटल की जरूरत है उसके लिए, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए कितना प्रॉफिट हमें अर्न हो जाए,
तो ऐसे कैपिटल को एवरेज प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी कोई फर्म जो है एवरेज मान लो 50,000 पर एनम प्रॉफिट अर्न करती है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है उसमें 10% है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स कितना है 50,000 है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 5 लाख। यानी कि आपको उस प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, ठीक है, तो आपको कितनी कैपिटल की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसमें से क्या लेस कर दोगे, जो भी आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकाला है उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर दोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेट असेट्स भी होता है, और नेट असेट्स आपको पता होना चाहिए वो कैसे निकालते हैं, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो मान लो अभी कितने का आया था आपका 5 लाख का, और आपकी नेट असेट्स आपकी बिजनेस में पड़ी हुई है 4 लाख, ठीक है, तो आप उसमें से लेस कर दोगे तो आपकी गुडविल कितने की आ जाएगी, 1 लाख की, ठीक है। अब ये तो था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। इस मेथड में फिर आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करने होते हैं, फिर ये फाइंड करने होते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इन सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। तो इसमें आपकी डायरेक्ट गुडविल निकल जाती है, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपकी फर्म में दिए हुए 72,000, असेट्स दे रखी है 9 लाख 70,000 की, नॉर्मल रेट दे रखी है 10%, लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख की। तो आप असेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करके सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे, नेट असेट्स, वो कितने का आ जाएगा 5,70,000। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स में से आप क्या लेस कर देते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है तो आप इसमें ये देख लोगे, तो ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, वो कितनी है 5,70,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपको 10%, तो आप इसमें कर दोगे 10 डिवाइड बाय 100, तो वो कितने का आ जाएगा 57,000। एवरेज प्रॉफिट्स आपको इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 72,000 का, उसमें से आप लेस कर दोगे 57,000, वो क्या आ जाएगा 15,000 सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट्स को आप इजीली निकाल ही सकते हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, तो 1,50,000 ये क्या आ जाएगी आपकी गुडविल। तो नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि आप किस तरीके से इसकी गुडविल की ट्रीटमेंट करते हो जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज होती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने का मीनिंग है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से आपके प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। अब देखो कि कोई भी पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर का कुछ पार्ट परचेज करेगा तो एक पार्टनर को तो क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। तो उसको तो हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और दूसरे पार्टनर का कुछ पार्ट जो पार्टनर लेगा उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। आज के टाइम में कोई भी किसी को फ्री में नहीं देता, अब ये भी अपना पार्ट जो है प्रॉफिट का उसको फ्री में नहीं देगा, उससे क्या ले लेगा, उसके हिस्से की गुडविल ले लेगा। तो जो पार्टनर अब गेन करेगा यानी जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करने वाले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की प्रपोर्शनेट अमाउंट की पेमेंट करके ऐसे लॉस को उसको क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए जिस रेशो में उसने गेन किया है। तो अब इससे एग्जांपल से भी समझिए, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जो 4:1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी उनकी ओल्ड रेशो, और अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम 3:2 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक्स अपने प्रॉफिट के शेयर में से 1/5 जो पार्ट है वो वाई को सेल कर रहा है। या आप कैसे निकाल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 4/5 - 3/5, तो आप इसको लेस करके निकाल सकते हो 1/5। तो अगर मान लो कि फ्यूचर में उसको 1 लाख के मान लो प्रॉफिट होते हैं फॉर्म में, तो एक्स को 1 लाख का 1/5 अगर हम करेंगे तो 20,000 कम मिलेंगे, वाई को 20,000 ज्यादा। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वाई इसको क्या देगा, अपने हिस्से की 1/5 के अकॉर्डिंग इसको गुडविल देगा। तो अगर उस फर्म की गुडविल मान लो 2,50,000 है, तो वाई उसको एक्स को क्या देगा, 2,50,000 का 1/5 देगा, तो कितना देगा वो 50,000।
तो इसी तरह हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी करेंगे, जो गेमिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम 50,000 से क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि एक्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इसमें वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 50,000 से 50,000 से, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो ये तो था आज का हमारा नोट्स का जो भी टॉपिक था, आज हमने इसमें सीखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में किस तरीके से गुडविल के कंसेप्ट को किया जाता है, कैसे इसको बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका जो एक लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स को ले भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको अगले चैप्टर के नोट्स उस वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप इजीली उस नोट्स को समझ भी लीजिएगा।